नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। सड़क पर आपको 200 औरतें लेटी हुई नजर आ रही होंगी और कुछ लोग उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। आसपास पुलिस भी खड़ी है, लेकिन लोग उसके बाद भी इन औरतों के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसका कारण है एक परंपरा, और ये परंपरा छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की मानी जाती है, और ये वीडियो भी वहीं का है। अब आपको बताता हूँ कि ये परंपरा क्यों निभाई जाती है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हर साल दीपावली के अगले शुक्रवार को मड़ई मेले का आयोजन होता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेने आते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग अंगार मोती देवी की आराधना करते हैं। वहां के लोकल लोगों के मुताबिक ये मेला 500 साल पुराना है। इस मेले में 200 से ज़्यादा औरतें नींबू, नारियल और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सारी चीज़ें लेकर जमीन पर पेट के बल लेट जाती हैं। बेगा जनजाति के लोग उनके ऊपर से गुजरते हैं। ऐसा करने को वो प्रण कहते हैं, और वहाँ के लोगों में ये आस्था है कि ऐसा करने से औरतों को पुत्र यानी बेटी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब इस मेले की ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, और उसी के बाद से दो धड़े सोशल मीडिया पर बन गए हैं। एक वो जो पुरानी परंपराओं का पक्ष रखते हैं, और दूसरे वो जो इन्हें अंधविश्वास बताते हैं। कई लोग तो ये सवाल भी उठाने लगे हैं कि परंपरा के नाम पर प्रेग्नेंट महिलाओं को इस तरह सुलाकर उनके ऊपर से गुजरना उनकी प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकता है, फिर ऐसा क्यों किया जाता है। खैर दोस्तों, आप इस परंपरा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।